वर्नियर थ्योरी, वर्नियर थ्योरी 2 मार्क्स के लिए आएगा, थ्योरी रहेगी। और इस ये टॉपिक से एक और चीज़ कवर करेंगे कि कंपाउंड दिया रहेगा, इसका कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊँ, एकदम ईजी है स्ट्रक्चर बनाना। और आगे पूरे लेक्चर में स्ट्रक्चर रहने ही वाला है। पहले वर्नियर थ्योरी पढ़ लेते, होती क्या वर्नियर थ्योरी, क्या होती है वर्नियर थ्योरी? एक थ्योरी है जिसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अप्लाई होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है पता है? इसमें क्या बताता है, 2 टाइप की वैलेंसी रहती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी को आयोनाइजेबल भी कहते हैं और सेकेंडरी को नॉन आयोनाइजेबल, या इसको और क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहते हैं प्राइमरी। यहाँ पहले देख लो क्या होता है, ये जो ये स्पीयर को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और ये वाले को क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन स्पीयर। बस इतना अपने को पता है। ये आया कहाँ से है? ये आया है वर्नियर थ्योरी से, वर्नियर थ्योरी से आया। वर्नियर थ्योरी क्या बोलती है, 2 टाइप की वैलेंसी, पहली होती प्राइमरी, सेकेंड, और एक क्या होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब आयोनाइजेबल, सेकेंडरी मतलब नॉन आयोनाइजेबल। और आयोनाइज वही सेकेंड पोस्टुलेट्स में क्या बोला है, जो आयोनाइजेबल वाली रहेगी उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी, और जिस नॉन आयोनाइजेबल रहेगी उसको क्या कहेंगे सेकेंडरी। वही चीज बार बार रिपीट करा गया। थर्ड में क्या बोला है, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बारे में, सेकेंडरी को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। सेकेंडरी वैलेंसी में ये तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर मालूम है, ये आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल को क्या कहेंगे प्राइमरी, और ये वाले को क्या कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। वही इसमें बोला है कि सेकेंडरी वाले को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। सेकेंडरी वैलेंसी इट पुट अंडर द कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और प्राइमरी किसमें रहेगी, आयोनाइजेशन स्पीयर। कोऑर्डिनेशन स्पीयर में तो ये आयोनाइजेशन स्पीयर। और नेक्स्ट फोर्थ पोस्टुलेट्स का बोला है, इसका डायग्राम दिया हुआ है कि बस बताना है प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, विद डायग्राम। डायग्राम देखो बनाते क्या है, इसमें मेटल कौन है, कोबाल्ट है CO, और लिगेंड कौन है, NH3 लिगेंड है, और ये Cl भी क्या है, लिगेंड है। Cl भी क्या रहेगी, लिगेंड रहेगी। तो बीच में क्या लिखेंगे, मेटल, मेटल हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, लिगेंड, टोटल कितने लिगेंड है, NH3 कितने है, 6 है, 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड बना दूं। यहाँ क्या लिख देंगे, सब जगह NH3, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ये क्या हो गया अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद एक लिगेंड का दिया हुआ है, वो क्या रहेगा आयोनाइजेबल, वो क्या रहेगा Cl3। ये क्या रहेगा माइनस में, और कोऑर्डिनेशन किस में रहेगा, प्लस में, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में रहता है, और इसका क्या रहता है माइनस। तो ये और नीचे लेबलिंग कर दो, ये कौन सा रहेगा सेकेंडरी, और ये क्या रहेगा प्राइमरी, और कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेबल, ये क्या होता है वर्नियर थ्योरी। घूम फिर के वही चीज़ 4 बार बोला गया, 3 पॉइंट्स में वही चीज़ बोला गया। समझ में आया क्या है?